देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। इसी के चलते केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को सतर्क रहने के लिए कहा है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है। इसके साथ ही ये भी सलाह दी है कि उन्हें राष्ट्रहित में भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए। वहीं अब स्वास्थ्य मंत्री के इस पत्र को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार बौखलाई हुई है, आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा तरह तरह के सवाल उठा रही है। बीजेपी पार्टी को यह कहना चाहता हूं, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया के चलते जो प्रचार चलते थे उसमें भी अभी छेद आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये लोगों में काफी इसका असर हुए हैं, ये जानता है मोदी सरकार। इसलिए मंडविया को तैनात किया गया कि कुछ बहाना बना के ये आम लोगों की निगाह भटकाया जाए। वही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 21 दिसंबर की सुबह राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पर उमड़ी भीड़ से मोदी सरकार इतनी घबरा गई है कि यात्रा को डिस्टर्ब करना चाहती है। अभी भी मैंने पत्र देखा है, कल का ही है, आप देखिएगा इनके हालात क्या, कितने बौखलाहट है। दो मेंबर पार्लियामेंट, एक पीपी चौधरी पाली के, एक न्याय सिंह जी गंगानगर के, वो कल ही पत्र लिखते हैं उनको कि राजस्थान में यात्रा चल रही है और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, और क्यों कोरोना फैल रहा है तो इसलिए आप इनको पाबंद करें कि ये कोरोना किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं। और तो मनसुख जी जो है उसी 20 तारीख को पत्र लिख रहे राहुल गांधी जी को, कल ही लिख रहे लेटर, अभी आज अभी हमारे पास जो सोशल मीडिया में आया है कि आप ये सब प्रिकॉशन कीजिएगा, मास्क की भी, डिस्टेंसिंग की भी, क्वारंटाइन करने की भी, ये बौखलाहट का एक बड़ा नमूना सामने आया देश के सामने। मेरे ख्याल से यात्रा शुरू होने के बाद में पहला पत्र आया होगा केंद्रीय मंत्री का, तो आप सोच सकते हो कि कितनी घबराई हुई है केंद्र सरकार कि केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं भूमिका बनाने के लिए, कल हमें रोकनी पड़े यात्रा को आगे, तो कम से कम हम भूमिका बनाए उस आधार बनाने के लिए पत्र लिखा गया होगा जो मैं अभी देख रहा हूँ। अभी मैं रास्ते में पढ़ के उतर रही हूँ, तो आप सोच सकते हो कि ये हालात है। तो बीजेपी खुद विचलित हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, और होना स्वाभाविक है जो सफलता मिल रही है यात्रा को। वही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को और कुछ नहीं सिर्फ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा खटक रही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, जैसा कि जयराम रमेश जी ने बताया कि एक भाजपा सांसद राजस्थान से है बीपी चौधरी, उनके पत्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी जी को यह पत्र प्रेषित किया। हम ये जानना चाहते हैं क्या इसी तरह का पत्र भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पुनिया को भी भेजा है जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। मानता हूं उस जन आक्रोश यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, मानता हूं भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बहुत आ रही है। क्या इस तरह का पत्र कर्नाटक की भाजपा को भी भेजा गया है जो एक और यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी भीड़ नहीं आ रही है? मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में उत्साह है और भीड़ ज्यादा आ रही है। आज अभी यहां से आप हवाई अड्डे जाइए, हवाई जहाज में बैठिए, न आपको मास्क लगाने को कहा जाएगा, न कोई सैनिटाइजर दिया जाएगा, खत्म। क्या भारत सरकार ने नियमों का की कोई घोषणा की है, कोई प्रोटोकॉल की घोषणा की है? क्या संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया है, फिजिकल जो चल रहा है कि वो भी ऑनलाइन होगा? तो भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है, भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है।
और कोई यात्रा नहीं दिख रही और कोई भीड़ जहां हो रही है वो नहीं दिख रहा। बता दें कि दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामले फिर डराने लगे हैं। इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड 19 की स्थिति पर वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि कोरोना के सभी पॉजिटिव केस के सैंपल्स जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजें ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।